How are you students i hope you did exercise 5.1 comfortably as you didn't share any doubt here in comment section so now it is the time to start next topic of this chapter that is polar representation of a complex number and this topic is also very important so in this we will learn how to plot a complex number and after that how to find its polar form so polar form निकालने के लिए फर्स्ट वी शुड हैव सम बेसिक नॉलेज ऑफ दैट तो पहले हमें जानना है वॉट इज़ अ पोलर फॉर्म एंड हाउ वी फाइंड इट सो पोलर फॉर्म के लिए सबसे पहले आपको थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आर्गन प्लेन की आर्गन प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन देन वी विल फाइंड आउट पोलर फॉर्म ऑल्सो सो आर्गन प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन

प्लॉटिंग इज डिफरेंट समेयर प्लॉटिंग इन द सेंस यहां पर हम करते हैं ये हमारा कार्टिजन प्लेन है एंड दिस इज अवर आर्गन प्लेन आर्गन प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन हेयर वीडू प्लॉटिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड हेयर वीडू प्लॉटिंग ऑफ रियल नंबर यहाँ पर हम रियल की प्लॉटिंग करते हैं यहाँ कॉम्प्लेक्स की प्लॉटिंग करते हैं सो वी नो जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज z इज इक्वल्स टू एक्सप्ल आई टा वाई ये हमारी जनरल फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की नाउ हाउ वी प्लॉट कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन आर्गन प्लेन तो उससे पहले हम रियल प्लेन पर देखते हैं फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू प्लॉट टू कॉमा टू सो आई विल रन अ डिस्टेंस ऑफ टू यूनिट्स ऑन एक्स एक्सिस सिमिलरली ऑन वाई एक्सेस सो आई विल गेट टू टू हेयर नाउ वॉट अबाउट आर्गन प्लेन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर हेयर रियल वैल्यू रियल पार्ट ऑफ दैट ऑलवेज वी प्लॉट ऑन एक्सएक्स यानी जो रियल डिस्टेंस है रियल पार्ट है वो यहाँ आता है एंड वॉट अबाउट इमेजनरी पार्ट इमेजनरी पार्ट इज पॉजिटिव वाई तो पॉजिटिव वाई गैप आपको ऊपर चलना है सो दैट मीन्स हेयर विल बी द पॉइंट पी हैविंग कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई सो पी एक्स वाई इज अ पॉइंट दैट इज आ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड आई हैव प्लॉट इट ऑन आर्गन प्लेन

एंड वाई स्टैंड फॉर इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड तो हम उसे ईजिली प्लॉट कर सकते हैं न पोलर फॉर्म में आपको डिफरेंट पैरामीटर्स यूज करने होते हैं आर एंड थीटा आर मीन्स रेडियस एंड थीटा मीन्स एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड अगर आपको रेडियस दे दी जाए फॉर एक्जाम्पल आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्लॉट करना है ठीक है जिसकी रेडियस आपको मालूम है रेडियस यानी ओरिजिन से उसका डिस्टेंस कितना है आपने ले लिया टू यूनिट्स और थीटा आपको बोल दिया गया है आपको यूज करना है एंगल एक्सिस से फोर्टी फाइव डिग्री तो यहाँ लोकेशन मिल गई है ना कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर मैं यहाँ परपेंडिकुलर डालूँ तो मेरी वाई एक्सिस आ जाएगी एंड हेयर एज इज एक्सेस सो सेम पी एक्स वाई कैन बी प्लॉटेड विद दी हेल्प ऑफ आर एंड थीटा ऑल्सो तो यानी इसी हम कॉम्प्लेक्स नंबर को आर और थीटा की हेल्प से भी प्लॉट कर सकते हैं चाहे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए या फिर आपको आर थीटा दिया जाए दोनों से आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट कर सकते हैं ऑन कार्टिजन सॉरी ऑन आर्गन और कॉम्प्लेक्स प्लेन वेरी इजिली यू कैन प्लॉट इट सो एज वी डिस्कस्ड दैट ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर हेयर पी हैविंग कॉर्डिनेट्स एक्स वाई सो हेयर इट वॉज अ कॉम्पलेक्स नंबर एक्स प्लस आईटा वाई इसीलिए यहाँ एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू ली गई है ठीक है यह आपका है ओ पी इज द रेडियस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इस रेडियस को हम रिप्रजेंट करते हैं मॉडल जेड से यानी डिटर्मिनेट दिस वैल्यू मॉडल जेड इज द रेडियस ऑफ ओ पी सो ओ पी इज इक्वल्स टू आर दैट इज रेडियस लेडीस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर नाउ वी नो थीटा इज देंगल दैट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ सेट नाउ वॉट इज प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट तो देखिए यह थीटा है ये आगे बढ़ता चला जाएगा अगर कॉम्प्लेक्स नंबर मूव कर रहा है ठीक है सो आर्ग्यूमेंट में भी डिफरेंट लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पढ़ेंगे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट मीन्स दो आर्ग्यूमेंट which हैव रेंज ऑफ थीटा बिटवीन माइनस पाई टू प्लस पाई यानी एंगल की वैल्यू आपकी माइनस पाई से बड़ी होनी चाहिए और पाई से छोटी पाई की इक्वल भी हो सकती है वो तो आप वही थीटा एक्सेप्ट करेंगे देखिए थीटा तो कितना भी हो सकता है अगर आप यहाँ थीटा फोर्टी फाइव लें ठीक है यानी आपने थीटा लिया है फाई बाई फोर ठीक है तो थीटा आप फोर्टी फाइव डिग्री ले रहे हैं तो अगर आप फोर्टी फाइव के बाद ये पूरा घूम कर आकर फोर्टी फाइव फिट से चलें तो सेम एंगल बन रहा है आर्ग्यूमेंट सेम है बस लेकिन हमने क्या किया पूरा राउंड मूव करके फिर फोर्टी फाइव आगे हैं तो इसका मतलब वो वैल्यू सेम होती है चाहे आप सिर्फ फाइ बाई फोर स्टार्टिंग से करें या फिर पूरा राउंड करके फाइव बाई फोर बढ़ें तो इसलिए हमें सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यूज़ लेनी इफ़ यू वॉन्ट टू डू डायरेक्टली ऑल क्वेश्चन ईजिली देन देर इज़ अनी टू लर्न दिस टेबल डायरेक्टली आप इसे लर्न कर दीजिए इजिल आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे विदाउट अ सिंगल मिस्टेक कभी भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वार्डर्ट में आ रहा, है, यानी आ रहा है तो उसमें आर्ग्यूमेंट आप थीटा ही यूज करेंगे जितना एंगल गिवन है ठीक है अगर आपके पास माइनस प्लस की फॉर्म आ रही है यानी सेकेंड क्वार्डन आ रहा है तो उसमें आप थीटा यूज करेंगे बाई माइनस थीटा यानी आर्ग्यूमेंट आप यूज करेंगे पाई माइनस थीटा इफ़ यू हैव माइनस एक्स माइनस आइटा वाई तो उसमें आप माइनस इंजर्ट करेंगे पाई माइनस थीटा सेम रहेगा इफ यू हैव कॉम्पलेक्स नंबर इन फोर्थ क्वारन देन यू विल यूज माइनस थीटा सो ये टेबल आपको लर्न करनी है इस बेसिस पर आप इजिली सारे क्वेश्चन कर लेंगे विच आर गिवन इन योर एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज नाउ मेन थिंग वो पोलर फॉर्म पोलर फॉर्म हम लिखते कैसे है सो पोलर फॉर्म पोलर फॉर्म सो पोलर फॉर्म जेड इज गिवन बाई आर ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा सो दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें आपको थीटा क्या यूज़ करना है थीटा फ्रॉम दिस टेबल अगर फर्स्ट क्वार्डन में आ रहा है तो आप थीटा को डायरेक्ट थीटा यूज करेंगे अगर सेकेंड में आ रहा है तो आप पाई माइनस थीटा की वैल्यू निकाल कर पुट करेंगे ना सो दिस वे यू विल पुट वैल्यूज एंड यू विल फाइंड आउट पोलर फॉर्म ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर तो पहले आपको क्या निकालना है आपको रेडियस निकालनी है फिर थीटा निकालना है थीटा और रेडियस निकालते ही आप इस फॉर्म में पुट करेंगे ताकि आपकी फॉर्म पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए सो ऑन दिस बेसिस वी विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चन गिवन इन योर एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज बुक सो लेट स्टार्ट एग्जाम्पल सेवन इन विच वी हैव टू फाइंड पोलर फॉर्म सो लेट स्टार्ट दैट एग्जाम्पल रिप्रजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू वन प्लस आईटा रूट थ्री इन पोलर फॉर्म आपको इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है सो फर्स्ट लेट्स क्वाड्रेंट टू विच इट बिलोंग्स ये हमारा कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है बोथ आर पॉजिटिव एक्स भी पॉजिटिव है देखिए वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव है सो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बाय आइडिया आई कैन राइट वन कॉमा रूट थ्री आर कोऑर्डिनेट्स सो इट इज माय ओ सो इट इज माई फर्स्ट क्वाड्रंट नाउ हेयर इट इज थीटा दैट इज माई आर्ग्यूमेंट तो आपकी ये वन रूट थ्री की प्लॉटिंग हो गई है अब आपको इसे कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है सो इफ यू रिमेंबर पोलर फॉर्म वर्स वी नो पोलर फॉर्म इज जेड इज इक्वल टू आर कॉस्थीटा प्लस दिस फॉर्म ठीक है अब हम क्या इसको इनसे कंपेयर करके आर और थीटा निकाल सकते हैं ताकि इजीली इसमें पुट किया जा सके सो वी कैन डायरेक्टली कंपेयर सो वी नो दिस पोलर फॉर्म इज दैट इज आर दर थीटा इज इक्वल टू वन देखिए आपकी फर्स्ट रियल पार्ट है तो रियल पार्ट यहाँ पर कोस थीटा इसे हम ऑल थोड़ा ब्रेक करके लिख सकते हैं कोस थीटा प्लस आर टाइम्स आयटा साइन थीटा दिस इज द पोजिशन ऑफ दिस तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कोस थीटा वन है और आर साइन थीटा हमारा रूट थ्री के इक्वल है एंड आर साइन थीटा इज इक्वल्स टू रूट थ्री क्वाल इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू अब आपको वन टू से थीटा और आर निकालना है तो देखिए आर निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है हम आइडेंटिटी यूज़ करें अपनी ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी हुई है क्लास टेंथ में हम उसे यूज़ कर सकते हैं अच्छा तो उसको यूज़ करने के लिए पहले हम क्या करें अगर हम इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर और ऐड कर दें तो क्या मिलेगा हमें सो ऑन स्क्वेरिंग एंड एडिंग इक्वेशन वन एंड टू वी हैव हमें इन दोनों को स्क्वायर और ऐड करना है तो पहले इसको स्क्वायर करते हैं तो आर स्क्वायर को स्क्वायर थीटा मिलेगा ऐड करना है ये वाली इक्वेशन को आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन स्क्वायर वन प्लस रूट थ्री स्क्वायर थ्री सो आप हमेशा याद रखिएगा जब भी पोलर फॉर्म का क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले दोनों इक्वेशन बनाकर स्क्वायर और ऐड करेंगे ताकि ईजिली आपसे सॉल्व हो जाए क्वेश्चन सो ऑन टेकिंग आर स्क्वायर कॉमन आई विल राइट कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइंस स्क्वायर थीटा इज इक्व टू फोर सो आर स्क्वायर इन टू आई नो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइंस स्क्वायर थीटा इज वन सो दैट इज इक्वल टू फोर सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू फोर इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू प्लस माइनस टू सिंस रेडियस कैन नेवर बी नेगेटिव तो हमारा ये पॉजिटिव टू हो जाएगा ये गैप हमारा डिस्टेंस ओ पी टू यूनिट्स है सो आर इज इक्वल टू टू ट्स कम टू थीटा अब थीटा कैसे निकालते हैं देखिए थीटा निकालने के लिए कैन आई डिवाइड इक्वेशन टू बाई वन ताकि हमारा साइन अपोन कोस टेन की फॉर्म में हो जाए और टेन से हम थीटा इजिली निकाल लेंगे सो वी विल डिवाइड सो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन टू बाई वन वी गेट सो आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू रूट थ्री बाय वन सो दिस आर विल बी कैंसल्ड सो साइन अपॉन कॉस टैन थीटा इज इक्वल्स टू रूट थ्री आई नो इन टेबल ऑफ टैन रूट थ्री कम्स एट सिक्सटी डिग्री सो टेन सिक्सटी डिग्रीज रूट थ्री एंड सिक्सटी डिग्री इन रेडियन रेडियन में ये इक्वल होता है पाई बाई थ्री के ये कैसे आता है रेडियन में आप जानते हैं आप ये सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में सिक्सटी को अगर आपको कोई भी डिग्री को रेडियन में करना है तो आप पाई अपॉन वन एटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे जब आपने मल्टीप्लाई किया सो आई एम गेटिंग पाई बाई थ्री तो आप याद रखेंगे डिग्री को रेडियन में कैसे करना है पाई अपॉन वन एटी से मल्टीप्लाई करके आप रेडियन में लिख सकते हैं और पोलर फॉर्म में आप हमेशा थीटा को रेडियन में ही लिखेंगे तो आपका थीटा पाई बाई थ्री आ गया है और अगर आप ध्यान दें तो आपको बताया गया था प्रीवियस टेबल में अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो थीटा हमारा आर्ग्यूमेंट एज इट इज़ वही रहता है उस पर कोई चेंज नहीं करना है तो हमारा आर्ग्यूमेंट रहेगा पाई बाई थ्री हैं पोलर form is z is equals to r cos theta plus i eta sine theta r is 2 so 2 bracket cos pi by 3 plus i eta sine pi by 3 so this way we will find out polar form of any given complex number सो फर्स्ट वी नीड टू प्लॉट दैट कॉम्प्लेक्स नंबर बाई आइडिया जरूरी नहीं रूट थ्री हम एग्जैक्ट प्लॉट करें वो हम अपने आइडिया से फर्स्ट क्वार्डन में प्लॉट कर सकते हैं दैन वी हैव टू फॉलो इन द सेम मैनर नाउ वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट इज एग्जाम्पल एट विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस टॉपिक पोलर फॉर्म सो वॉच दर एग्जाम्पल केयरफुली एंड देर एग्जाम्पल हैज़ बीन आई विल अपलोड दिस एग्जाम्पल इन नेक्स्ट वीडियो सो वॉच डैट वीडियो ऑल्सो टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट इजिली and only then you will be able to solve questions given your exercise very easily thank you